हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। मेरी खुशियों की बगिया में फ्रेंड, आज की जो वीडियो की शुरुआत है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग के साथ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो फ्रूटिंग के बाद, जो हार्वेस्टिंग के बाद हमें अपने प्लांट के साथ करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो में, और मैं सारी वो टिप्स एंड ट्रिप्स आपको बताऊंगी जिससे जो है एक बार फ्रूटिंग के बाद आपका प्लांट डेड ना हो जाए, बल्कि वो दोबारा दुगनी तेजी से फ्रूटिंग करे। तो बने रहेगा, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रूटिंग के बाद जो है फ्रेंड, हल्की सी जो है हमें थोड़ा सा गुड़ाई कर देनी चाहिए इस टाइप से, हल्के से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट डेड ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक काम और हमें करना होता है, इनकी जो ये डेड लीव्स हैं इनको कट कर देना है। और इनको कट करने के बाद जो है बहुत अच्छी भिंडी निकली फ्रेंड मेरी, बहुत अच्छी मैंने इससे हार्वेस्टिंग करी भिंडी की। तो थोड़ा थोड़ा जो है इस तरीके से आप इसको करेंगे, और ये काम फ्रेंड या तो आपको अर्ली मॉर्निंग करना है या आपको ये काम इवनिंग में करना है, बिल्कुल जब सूरज छुप जाए। तो ये काम आपको सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी देखिए, अभी जो है मॉर्निंग की जो है 6 बज रही है, और मैं 6 बजे जो है ये काम कर रही हूँ। इसी तरीके से अपने सभी फ्रूट्स प्लांट पे करना है। ये मेरी लौकी की बेल है, और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, इनको आपको यहाँ से तो आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये सकर्स हैं, प्लांट को सक कर जाते हैं, और ये डेड लीव्स भी आपको सब हटाने हैं। तो ये काम आप ज़रूर से अपने प्लांट पे कर लें, ताकि आपको फिर से जो है एक अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। अदरवाइज होता क्या है फ्रेंड, ये हमारी कंटेनर गार्डनिंग है, और कंटेनर गार्डनिंग में आप जो है जैसे एक बार फ्रूट्स ले लेते हैं, तो प्लांट की जो है सारी एनर्जी वो फ्रूटिंग में लग जाती है, और फिर वो खाली हमारे पास एक सॉयल रह जाता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, और ज़्यादा फ्रूटिंग पाने के लिए, दोबारा से अपने प्लांट पर ज़रूर से ये काम करें जल्दी से जल्दी, ताकि प्लांट जो है ग्रो कर पाए। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी पूरी डेड लीव्स हटा दी हैं, ये देखिए आप, ताकि इसमें एयर पास हो सके, मैंने पूरी इसकी डेड लीव्स हटा दी हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हल्का सा जो है इसको यहाँ से गुड़ाई करूँगी, हल्का सा। भले आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो सॉयल है उसमें काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि जब भी मैं पॉटिंग सॉइल बनाती हूँ तो मैं पहले ही पॉटिंग सॉइल बहुत अच्छी सी बना देती हूँ। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी आपको थोड़ा सा जो है ये सब काम करने हैं। ये काम आपको सिर्फ एक ही प्लांट में नहीं फ्रेंड, ये काम आपको अपने सभी प्लांट्स में करना है, कि जो भी आपकी येलो लीव्स हैं उनको आपको हटा देना है, ताकि जो है आपको एक अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त हो सके। तो यही काम मैंने अपनी मूली के साथ भी किया है, कि मूली की मेरी जितनी डेड लीव्स हो रही थी वो मैंने सारी हटा दी है, ताकि मूली अच्छे से ग्रो हो पाए। और देखिए आप कितने अच्छे से ग्रो हो रही है मेरी मूली, देखिए। करूँगी अपने टमाटोज के साथ, और मेरे टमाटोज देखिए आप कितने अच्छे हो रहे थे, लेकिन अचानक से इन पर भी पता नहीं कौन सा रोग इन पर भी आ गया है। तो मैं हटा दूँगी इनकी ये डेड लीव्स जो बेकार हो रही हैं, और प्लांट का वो पार्ट फ्रेंड जो पूरे प्लांट को ख़राब कर दे, इससे पहले कि वो पूरे प्लांट को ख़राब कर दे, उसे हमें प्लांट से रिमूव कर देना चाहिए, ये देखिए आप ये सारा। और उसके बाद दें प्लांट को अच्छी सी खाद और अच्छा सा पेस्टिसाइड, होममेड पेस्टिसाइड जो मैं बनाती हूँ,
अगर आपने ना देखा हो वीडियो मेरे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। या नीम ऑयल का जो है मैं इस पर स्प्रे कर दूँगी और इस तरीके से जो है आप अपने प्लांट को फिर से बचा सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से सपोर्ट देके अपने प्लांट को फिर ये डेड लीव्स आपको हटा देंगे। टमाटोज के प्लांट को भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है फ्रेंड। अगर आपको अच्छे टमाटोज इससे लेने हैं तो ये देखिए फ्रेंड, ये है काऊ डंग और ये मैंने अभी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मंगाई है कुछ ही रोज़ पहले मंगाई है क्योंकि मेरी काऊ डंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो काऊ डंग मैन्योर आप दो तरीके से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं फ्रेंड, तो मैं वो दोनों तरीके आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप दे सकते हैं अपने प्लांट को आफ्टर फ्रूटिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग किस तरीके से अपने प्लांट को दें पावर, किस तरीके से अपने प्लांट को रीजनरेट करें। तो ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल इसको बिल्कुल महीन पाउडर मैंने इसका बना दिया है और महीन पाउडर बनाने के बाद प्लांट को थोड़ी हल्की गुड़ाई करने के बाद ज़रूर दे प्लांट को खाद। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, जो ज़मीन में लगे होते हैं प्लांट, तो वो अगर प्लांट को मतलब वो खाद नहीं मिलती है तो प्लांट अपने रूट्स जो है इतनी डेवलप कर लेते हैं कि वो ज़मीन से कहीं ना कहीं से अपने जो है खाद को ले लेते हैं। लाल वाले बटन को दबाते रहो, जब इधर उधर को इस तरीके से फ्रेंड, इसकी मैंने सारी ये डेड लीव्स मैंने सब हटा दी है, सारी की सारी डेड लीव्स मैंने इसकी हटा दी और उसके बाद जो है मैंने इसको हल्की से मैंने गुड़ाई कर दी थी और अब मैंने इसमें डाल दी है खाद। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगी, लिक्विड मैन्योर बनाने का भी और ये भी। तो अभी थोड़ा लाल बटन का कंटेनर खाली है और इसमें मैंने दिया रिजल्ट। अगर आपको चाहिए फ्रेंड तो ये देखिए, ये काऊ डंग का एक टुकड़ा इस तरीके से आप इसमें छोड़ सकते हैं, ये इस तरीके से और इस तरीके से। ये मेरी पड़ी हुई थी पुरानी कैंची और इससे मैं इसको धो लूँगी। तो मुश्किल से विद इन 5 मिनट या 10 मिनट जो है आपका ये घोल तैयार हो जाता है और इसको आप डायरेक्टली अपने प्लांट को दे सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, जो आप ये ड्राई कंपोज देते हैं इसको थोड़ा सा जो है इसका रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप ये घोल देते हैं, ये लिक्विड मैन्योर जब आप किसी प्लांट को देते हैं तो इंस्टेंट उसका रिजल्ट जो है प्लांट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से, और एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप अपने प्लांट को खाद जब भी दें तो ऐसा टाइम हो जब उस समय थोड़ा टाइम ठंडा हो, जैसे या तो आप सनराइज़ से पहले अपने प्लांट को खाद दे दें और उसके बाद प्लांट में वाटरिंग ज़रूर करें, और या तो आप इवनिंग में खाद दें और खाद देने के बाद वाटरिंग ज़रूर करें, नहीं तो प्लांट का सूखने का या मरने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है प्लांट का ध्यान ज़रूर रखें। तो ये इस तरीके से जो है ये बन गया है मेरा घोल, आप देखिए ये हो गया मेरी खाद तैयार, लिक्विड मैन्योर मेरा तैयार हो गया। ये जैसे ये मेरा टमाटो ट्री है, टमाटो प्लांट है और ये मेरा है कैप्सिकम का, तो उनको रीजनरेट करने के लिए जो है इस तरीके से आप ज़रूर अपना मैन्योर। तो कुछ इस प्रकार था आज का वीडियो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर बहुत अच्छे लग रहे हो फ्रेंड तो आगे तक भी ज़रूर और ज़रूर से शेयर कर दें, इतना तो बनता ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।